हेलो एवरीवन, और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बस मॉर्निंग का क्लीनिंग चल रहा है, तो बस क्लीनिंग वीडियो है और मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा डीप क्लीनिंग कर दिया जाए। तो बस यहाँ पर ये धूल मिट्टी साफ़ करी हूँ, क्योंकि अभी चल रहा है नौतपा। नौतपा के बाद आएगा बारिश का मौसम, कब पानी गिरने लग जाए और एकदम झड़ी लग जाए पानी की। फिर सफाई है ना उतने अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि नमी रहती है ना, तो फिर गंदगी साफ़ नहीं हो पाती अच्छे से। तो मैंने सोचा अभी सारी धूल मिट्टी है वो क्लीन कर देती हूँ। और धूल मिट्टी का तो ये है कि हर 8-15 दिन में फिर से जमा हो जाती है, लेकिन जो ये बारिश के पहले की जो सफाई रहती है ना बहुत ज़रूरी रहती है। तो बस यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बस यहाँ पर चेयर भी क्लीन कर देती हूँ, और ये बस एक ही चेयर है मेरे पास, बाकी तो सोफे हैं आपको पता ही है। तो चलिए कर लेती हूँ फटाफट क्लीनिंग। पंखा नहीं चला सकते अभी, सफाई का काम छेड़ दिया था। मैंने सोचा कि पानी गिर उससे पहले सफाई हो जाए एक बार तो अच्छा है, क्योंकि फिर इंदौर में गिर रहा है उसके बाद यहाँ पानी गिरने लग जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज सफाई कर लेते हैं। हाँ खेल लो, तो क्योंकि एसी वेसी के ऊपर धूल जमी हुई थी, धूल क्या बारीक बारीक जो डस्ट है ना वो जम जाता है, फिर रुए रुए से नहीं होते वैसे बन जाते हैं। तो मैं इनका साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये क्या वो चिक्कड़ जैसी जम जाएगी फिर उस पर। एक बार एक दो बार पानी गिर गया फिर उस पर साफ़ नहीं होता है, नमी आ जाती है ना तो फिर नहीं साफ़ होता है। तो मैंने उसको साफ़ कर दिया है, एसी को पंखे को भी साफ़ कर दिया है, वैसे तो उस पंखे साफ़ होते। तो बस, और फिर गवारफली बनाई और कपड़े धोए, इनके 2 जोड़ी कपड़े रखे थे उनको धोए। अब फ्री हुई खाना वाना खा के, तो बस शाम को देखती हूँ कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, नहीं तो फिर ब्लॉग को यहीं पेंड कर दूंगी। और अगर करूँगी तो फिर आगे का ब्लॉग देख लीजिएगा। हाँ खेल सकते हो, आ रही हूँ मैं, वहीं आ रही हूँ अभी। तो बस अब मैं थोड़ी देर लेट हूँगी, मेरी आंखें बहुत ज़्यादा सूजने लग गई हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा सूजने लग गई, पहले नहीं थी, जैसे नींद हो जाती थी ना पूरी तो सही हो जाता था, लेकिन अभी 1:30-2 बजे सोना फिर वो सुबह उठना तो शायद इससे भी हो रही होगी। तो चलिए मिलती हूँ शाम को, देखती हूँ शाम को हो सकेगा तो कोशिश करूँगी आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर करने की। तो चलिए मिलते हैं शाम को, अभी तो मैं आराम करूँगी। और अभी बज रहा है शाम का 4:30 और मेरी चाय हो चुकी है, सभी को चाय पिला दी है वैसे तो मैंने। और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर वीडियो एडिट करने, तो बस एक छोटा सा वीडियो एडिट कर रही हूँ। और काव्या इनके पापा जो है ना ऊपर गए हैं छत पे घूमने, अभी थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है इस समय तक, तो उन लोग ऊपर घूमने चले जाते हैं। तो बस यहाँ पास का मुझे बहुत कम दिखाई देता है, इसी वजह से मुझे चश्मा लगाना पड़ता है। और ये सब सेकंड चैनल की जब मैं लाइव स्टार्ट करती थी ना उसी की वजह से हुआ मुझे चश्मे का लगना, नहीं तो मुझे चश्मा नहीं लगा था। दूर का तो अच्छा दिखाई देता है। और जहाँ पर मैं बैठी हूँ ना वहीं पे बैठ के मेरे वीडियो एडिट होते हैं, बहुत मतलब कंफर्टेबल लगता है मुझे यहाँ बैठ के वीडियो एडिट करना। चार्ज भी यहीं हो जाते हैं मोबाइल से, और वीडियो भी यहीं पर एडिट करती रहती हूँ, साथ में वॉच भी करती रहती हूँ। वीडियो एडिट कर रही हूँ और मेरा एक वीडियो एडिट हो चुका है, मैंने सोचा छोटा सा वीडियो है तो उसको मैं अभी अपलोड कर देती हूँ। और ये जो वीडियो बन रहा है ये कल आपको मिलेगा मॉर्निंग में, और ये वाला मैं अभी एक दिन पहले ही शाम को अपलोड कर दूँगी। तो बस छोटा सा क्लीनिंग का वीडियो है, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और बिना चश्मे के पास का बिल्कुल भी नहीं दिखता है। अभी इवनिंग का हो रहा है, 6 बज रहा है शायद, हाँ। तो ज़्यादा कुछ बनाना ही नहीं खाने में, तो पापा ने खाने पीने के लिए मना कर दिया है कि खाना नहीं खाऊंगा मैं, तो
देखती हूँ क्या बनाऊँ बच्चों के लिए, कुछ देखती हूँ उनकी पसंद का ही कुछ बनाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मंचूरियन बना लेती हूँ, पत्ता गोभी भी रखा है और वही है जो बच्चों को पसंद आता है, नूडल्स मंचूरियन जो भी लगेगा अभी देखती हूँ मैं वही। तो बस आप लोगों से बात करते करते घर से कॉल आ गया था तो फिर आप लोगों से बात ही नहीं हो पाई। तो यहाँ पर देखिए मैंने पत्ता गोभी काट लिया है, किचन में आ गई हूँ तो मैं बना रही हूँ मंचूरियन। इतना सारा पत्ता गोभी है ना जो ख़राब निकला है, और इसकी मैंने है ना ख़राब क्या, मुझे जैसे देखिए दाग दिख रहे थे ना ऐसे, आपके पास ये दिख रहे हैं दाग, ऐसे दाग दिख रहे थे ना, इनको भी मैंने हटा दिया है पत्तों को, पता नहीं ख़राब है शायद, तो जहाँ जहाँ भी पत्ते में दाग थे ना वो सारे पत्ते निकाल दिए, तो एक पत्ता गोभी से इतना निकला है बस, और ये आधा किलो के आसपास का पत्ता गोभी होगा लेकिन इतना सा निकला है, और ये थोड़ा सा और रखा है। अभी इसको भी चेक करूँ इसी तरह से एक एक लेयर हटा के, क्योंकि अगर आप पत्ता गोभी की, बाबू क्या है ये देखो, इसने बालूशाही खाई काव्या ने, बालूशाही ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनी है बालूशाही। इससे पहले ही मैंने बालूशाही की रेसिपी डाल रखी है लेकिन इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है, हर बार कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, अच्छा बन जाए तो आप लोग के साथ शेयर कर दो। तो ये वाली जो रेसिपी इसको भी एक बार ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनी, हाउ टू मेक बाय गायत्री पे आपको देखने को मिलेगी ये वाली रेसिपी। और यहाँ पर ये इतना सारा पत्ता गोभी है इसको मैं फेंकूँगी, और इतना सा निकला है तो मैं बना रही हूँ आज मंचूरियन, तो चलिए इसको फेंक दे। 7 बज रहे हैं अभी, टाइमिंग 7 बजे का हो रहा है, और आज बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है यहाँ से, तो नींद की वजह से भी हो रहा होगा, नींद पूरी नहीं हो पा रही है। इनके पापा रोज़ की रोज़ मूवी लगा के बैठ जाते हैं, अभी भी साउथ की कोई हॉरर मूवी लगा ली थी दिन में और वो देखने बैठ गई थी मैं, तो फिर नींद नहीं लगी, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हुई, उसके बाद एक और लगाने लग गए 4 बजे। मैंने कहा मैं तो थोड़ी देर सोऊंगी, अभी इसको बंद करो क्योंकि एसी लग रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो यहीं पर सोना पड़ता है मुझे, तो इसको बंद करी तो आधा घंटे सोऊंगी मैं। 4-4:30 बजे फिर से उठ गई थी, तो उसके बाद फिर चाय वाय बनाई करी। टमो क्या कर रहा है बेबी? हाँ मैं आके देखूंगी अभी, उसको भी होमवर्क करवाना रहता है काव्या को, वैसे मुझे ज्यादा नहीं देखना पड़ता, उसकी सिस्टर लोग देख लेती हूँ। अभी भी गाने चल रहे हैं, अब मुझे है ना वॉइस ओवर करना पड़ेगा, तो मैं काम कर लेती हूँ फटाफट, मंचूरियन बना लेती हूँ। तो मंचूरियन की रेसिपी कई बार मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आप लोग के साथ में, अगर आपको प्रॉपर रेसिपी देखनी है, और कई तरह के मंचूरियन की रेसिपी मैंने अपने हाउ टू मेक बाय गायत्री जो रेसिपी का चैनल है वहाँ पे भी अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ के भी देख सकते हैं कि मैंने मंचूरियन बनाने के लिए पत्ता गोभी को बॉईल कर लिया था, बॉईल करके इस तरह से पूरा पानी निकाल लेती हूँ। कई बार क्या होता है बॉईल करे बिना भी बना लेती हूँ मैं, लेकिन आज मुझे पत्ता गोभी थोड़ा ठीक नहीं लगा, इस वजह से मैंने उसको बॉईल कर लिया है। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं कॉर्नफ्लोर, 2-3 हरी मिर्ची डाली है चॉप करके, बिल्कुल बारीक चॉप करके, और यहाँ पर 4 चम्मच के आसपास मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, और चिली सॉस डाला है, सोया सॉस डाला है 1-1 चम्मच, रेड चिली पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, और हल्दी पाउडर डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक डाला है, और सबको अच्छे से डाल के इस तरह से मैंने ये छोटे-छोटे गोले बना के और फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सभी मंचूरियन बॉल्स फ्राई हो चुके हैं, तो ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने ऑयल लिया, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें मैंने थोड़ी सी पत्ता गोभी डाली है चॉप करके, और थोड़ा सा शिमला मिर्च है ना 1-2 हरी मिर्ची डाली है, थोड़ा सा ऑनियन डाला है, और 1-2 लहसुन की कली चॉप करके डाली है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी से घोल बना के और उसको डाल दिया है, जब सभी वेजिटेबल थोड़े सॉफ्ट हो जाए ना उसके बाद डालना है। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मसाला डाल दीजिए, तो यहाँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और नमक डाल दें। अब डाल देंगे इसमें सॉसेस, तो चिली सॉस, सोया सॉस और टमाटर सॉस, तीनों सॉस 2-2 चम्मच डालेंगे, और सॉसेस डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके इसको 2-3 मिनट पकाएंगे, और उसके बाद इसमें मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे। तो यहाँ पर अनुष्का बात कर रही है और ये काव्या आई है, आज मेरा बर्थडे है, मेरी काव्या बहुत एक्साइटेड है, और मैंने केक नहीं बनाया आज, मैंने बनाया, मैं सोच रही हूँ उसको ही काट, मेरे बच्चे ने मंचूरियन बनाया मेरे बच्चे के लिए, केक का बोल रही थी सुबह से, कल से केक के पीछे पड़ रही थी, और काव्या ने मेरे लिए कुछ गिफ्ट बनाया है, क्या बनाया है? मैंने पर्स बनाया, उसके लिए कुछ है केक बनाना, इसके पापा भी चिल्ला रहे बनाना चाहिए ना जब बच्चे बोल रहे तो। मनाते भी नहीं है ज़्यादा, कुत्ता वो नहीं रहता कि हाँ बर्थडे मनाना ही, फिर बाकी बच्चे बोलते ना तो बस केक बन जाता।
और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं सारे मंचूरियन। तो बस मंचूरियन डाल के 2-3 मिनट पकाऊंगी, उसके बाद ये मंचूरियन बनके तैयार हो जाएंगे। मैंने काव्या को बहला दिया था, मैं इनका मंचूरियन से हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। आप मुझे खिलाना, मैं आपको खिलाऊंगी। देखिए ये बनके तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर मंचूरियन बनके तैयार हो गए। देखिए गरम गरम दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए। बहुत कम बने हैं, पत्ता गोभी ख़राब निकल गया था इस वजह से। तो बस इसको दो इंसान ही खा सकते हैं। मंचूरियन वैसे पसंद है बच्चों को, ये चीज़ पसंद है, चाइनीज़ फूड बच्चों को अच्छा लगता है। लेकिन अब क्या करूँ, पत्ता गोभी ख़राब निकला है और उसको साफ़ करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मुझे जहाँ भी काला दिख रहा था तो मैं उसको भी फेंक ही दी थी, मैंने रखा ही नहीं उसको। तो बस चलिए मैं दे देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। केक बन गया है भाई, केक मैंने बना लिया है। और ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको केक। काव्या खान, काव्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो चलिए काव्या की मम्मी पिक्चर देखने में लगी है। तो ये देखो दिशा भी जगी हुई है और अभी बज रहे हैं 10:10। वॉइस ओवर मैं बाद में करूँगी, मूवी चल रही है तो मैं वॉइस नहीं दूंगी, बाद में वॉइस दूंगी। तो चलिए केक को कट कर देते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे मेन तो क्या है गिफ्ट देने के लिए बैठे हैं मुझे, और इन दोनों ने बनाया है पर्स, तो इसी वजह से मुझे केक बनाना पड़ा। क्योंकि बिना केक कटे और कोई गिफ्ट देने का तो मज़ा है ही नहीं। तो बस यहाँ पर मैं केक काट के इनको खिला देती हूँ, फिर ये मुझे गिफ्ट दे देंगे। और ये जो केक है ना, ये मैंने अपने हाउ टू मेक पर मिलेगा आपको, और भी बहुत सारे केक की रेसिपी मिल जाएगी आपको वहाँ पर। ये कढ़ाई में बनाया मैंने केक। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।